अब जिस फिल्म के पोस्टर्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसके बारे में तो मशहूर हो गई है एक कहावत कि इसमें तो मक्खी उड़ रही थी, इसे देखने तो कोई भी नहीं गया, अरे कोई कुत्ता भी नहीं गया। अब तो आप समझ ही गए होंगे, अरे इस फिल्म की धज्जियां हम क्या उड़ाएं, इसकी तो पहले ही सल्लू मियां ने बैंड बजा दी थी। गुजारिश, जिससे संजय लीला बंसाली, ऋतिक और ऐश्वर्या को न जाने कितनी गुजारिशें थी। ऋतिक ने क्या क्या नहीं कहा था, he said he was a little skeptical about this movie earlier but after the narration he had tears in his eyes and was smiling at the same time. वाह भाई वाह, ग्रेट कॉम्बो है भाई। मगर हमारी ऑडियंस तो ऐसा कुछ भी फील नहीं कर पाई। मैजिशियन बने ऋतिक स्क्रीन पे अपना कोई भी मैजिक नहीं छोड़ पाए अपार्ट फ्रॉम अ कपल ऑफ सीन्स। और ऊपर से उनके को स्टार जिन्हें पता नहीं कितनी उम्मीदें थी इस फिल्म से कि हर इंटरव्यू में इसी के गुणगान गाती रही। Because in the film, ऐश्वर्या नर्स तो कम लग रही थी, एक डांस परफॉर्मर ज्यादा लग रही थी। एक बात तो उनकी एक्टिंग से कोई छीन ही नहीं सकता, जबरदस्ती की हंसी, अनकन्विंसिंग डायलॉग डिलीवरी और मैं हूँ मिस वर्ल्ड वाला एटीट्यूड। फिल्म में न्यू सेंसेशन बन के आई मोनिका अंगना दत्ता बस पब्लिसिटी के कुएं में गिर के रह गई। आदित्य रॉय कपूर को जगह मिली ऋतिक के साइड में और बस वो वहीं पे साइड लाइन होकर रह गए। इतनी बड़ी बड़ी बातों के बाद भी ऑडियंस ने इस फिल्म को दे डाली एक श्रद्धांजलि, ऐसे बोल मत बोलो जिससे फट जाए ढोल। तो ऋतिक, ऐश्वर्या और संजय विद गुजारिश एट नंबर 6।